आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंगेली जिले के मदकू द्वीप में आरएसएस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान मंच से अपनी बातें रखते हुए समाज, पर्यावरण और भारत की संस्कृति पर कई बातें कही है। इशारों में मोहन भागवत धर्म परिवर्तन करने वालों को भी मुंगेली के मंच से सतर्क चेतावनी दी है। भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के कई देश मानते हैं कि हम एक जैसे होंगे तब एक होंगे। विदेशी मानते हैं कि अगर अलग अलग होंगे तो हम अलग हो जाएंगे, मगर एक सा होने की जरूरत नहीं है। हमारी कई भाषाएं हैं, राज्य हैं, जाति उपजाति सभी की विशेषता है। ये सभी एक सुंदर देश बनाती है, एक देश को पूर्ण करती है। हमें संपूर्ण दुनिया को बताना है कि संतुलन के साथ चलना और विधिवत का सम्मान करना हमारे देश और हमारी विशेषता है। किसी को बदलने की चेष्टा मत करो, सभी का सम्मान करो, विधिवत के साथ चलो। हमारे पूर्वज कई देशों की यात्रा पर गए, मगर कभी किसी पर अपनी पूजा नहीं थोपी। मोहन भागवत ने आगे कहा कि इस भारत देश का एक ही धर्म है और वो है सत्य। हमने पूरे विश्व को परिवार मानने, सभी विधि विविधताओं का सम्मान करने, घट घाट के राम का वास है, परमात्मा का वास है, ये सत्य संपूर्ण दुनिया को दिया है, कभी इसका श्रेय भी नहीं लिया, उन्हें बेहतर बनाया। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।